छाता तो खुल गया। राज, ये है हमारी कर्म भूमि। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना ऑफिस है कहाँ? ऑफिस? गुड क्वेश्चन। ये रहा मेरा ऑफिस। कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, किताब, छतरी, एक और कुर्सी, ऑफिस। ये ऑफिस है? यार मोहन तू तो ग्रेट आदमी है यार, मैं तो तुझे अच्छा खासा बेवकूफ समझता था। तू तो बहुत इंटेलिजेंट निकला, ये कंसेप्ट किसका है? मेरा। हट, मगर बड़ा चालू आदमी है यार, मतलब कि मैं तुझे बेवकूफ समझ रहा हूँ और तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे गजब का कंसेप्ट है यार। अच्छा, ऐसा ऑफिस देखा ही नहीं मैंने पहले कभी, ना रिसेप्शन का चक्कर, ना प्यून का लफड़ा। यानी कि क्लाइंट वहां से ऑटो रिक्शा से उतरेगा और सीधा वकील से मिलेगा, बीच में कोई रुकावट ही नहीं। अरे गजब का। बगल तू देख लेना मोहन, कुछ ही दिनों में ये जो कंसेप्ट है ना, ये सारी दुनिया फॉलो करेगी और दुनिया के बड़े बड़े लोग एक दिन तुझे इस छतरी के नीचे मिलेंगे। बैठ ना। थैंक यू यार। अरे वाने वाने, इधर बैठ, इधर बैठ, मेरे बगल में, मेरे बगल में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू माय ओन ऑफिस यार। ले मैं बैठ गया। मोहन बोल, इसे क्या कहते हैं? दोस्ती। दोस्ती नहीं बेवकूफ, इसे कहते हैं राज एंड मोहन एसोसिएट्स। क्या बात है, ये लोग इतना तेज तेज क्यों भाग रहे हैं? आज तेजपाल साहब का केस शुरू होने वाला है, इसलिए तेज तेज भाग रहे हैं। ये तेजपाल साहब कौन है? शहर के मशहूर बैरिस्टर, बहुत ही तेज आदमी है, आज कोर्ट में आर्गुमेंट करने वाले हैं। चल, वी विल टेक सम लेसन फ्रॉम हिम, कुछ सीखने को मिलेगा। अब इतना बुरा वक्त आ गया कि दूसरों से सीखना पड़ेगा। चल तू बोलता तो चल के देख लेते, आजा चल। अरे रुक तो सही, ऑफिस तो बंद कर लूं। बंद हो गया, चल चल चल। योर ऑनर, हर सबूत, हर गवाह यह साबित कर चुका है कि एंथोनी ब्रूटो का खून इस मासूम दिखने वाले विनय परब ने ही किया है। इस शख्स की उम्र 19 साल है, सिर्फ 19 साल, और जो शख्स 19 साल की उम्र में खून करने जितना खतरनाक हौसला रखता हो, वो आगे चलकर क्या नहीं कर सकता। यार जिस तरह से इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस मासूम लड़के के खिलाफ जीरा किया, इस चमन को तो कोई बचा ही नहीं सकता। भैया जिसे कोई नहीं बचा सकता ना, उसे सिर्फ तेजपाल बचा सकता है। कोर्ट में हम लोग। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के बारे में बिल्कुल सही कहा, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत या उम्र कैद। लेकिन इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, मैं इस 19 साल के मासूम कातिल के बारे में अदालत को कुछ बताना चाहता हूं। योर लॉर्डशिप, विनय परब ने 7 साल की उम्र में नेहरू चाइल्ड गोल्ड मेडल जीता, 12 साल की उम्र में इंटर स्टेट डिबेट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज हासिल किया, 15 साल की उम्र में SSC में फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हुआ और 17 साल की उम्र में हायर सेकेंडरी में मैथ्स में पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। और जिस एंथनी ब्रेटो का खून हुआ है, 12 साल की उम्र में उस पर चोरी का पहला इल्जाम लगा था, 14 साल की उम्र में उसने मिनर्वा थिएटर के बाहर टिकट्स ब्लैक करना शुरू कर दिया था, 20 साल की उम्र में उसने पहला डाका डाला और 27 साल की उम्र तक उस पर कत्ल के 4 इल्जाम लग चुके थे। और अगर ये खून ना हुआ होता तो आज एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता, ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा होता और देश के दुश्मनों के साथ मिलकर शायद गद्दारी भी कर सकता था। लेकिन इस ना समझ की वजह से देश ने एक होनहार गुंडा खो दिया। योर ऑनर। योर लॉर्डशिप, इस 19 साल के मासूम को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये जीकर क्या करेगा, 5-6 गोल्ड मेडल और जीत लेगा, पढ़ लिखकर इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बन जाएगा और इन सबको हमारे देश की क्या जरूरत है। योर लॉर्डशिप, पर एक बार जिन हालात में खून हुआ उन हालात में अपने आप को रखकर देखिए। एंथनी ब्रेटो इसके घर वालों को सताता था, इसकी बहन को छेड़ता था, इसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक दिन एंथनी ब्रेटो उसके घर पहुंचा, इसकी बहन को अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, इत्तेफाकन उस वक्त एक घर पहुंचा, इसने वही किया जो इस दुनिया का कोई भी छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर इंसान अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए करता, जो आप करते, जो मैं करता, जो अदालत में बैठा हर भाई करता। इसने एंथनी ब्रेटो का खून कर दिया। योर ऑनर। He's too good, yeah. Mind-blowing. Kesma sir, ek nazar idhar sir, please.
यार मोहन, ये तेजपाल बड़ा कमाल का बंदा है यार। अरे भाई, तभी तो एक हियरिंग के लाख रुपए लेता है। क्या बात करता है। किसी भी केस को स्टडी करना एक अच्छे वकील का फर्ज होता है, एंड दैट्स माय होमवर्क। इसके बगल में हैंडसम टाइप का लड़का कौन है? वो इसका दामाद है आदर्श, इसके ऑफिस में काम करता था। बेटी से प्यार हो गया तो शादी कर ली तो बगल की पोजीशन हासिल कर ली, और आज सब कुछ है इसके पास। यार ये तो ज्यादा बड़ा वकील हो गया यार। वो कैसे भाई? अरे सीधी बात है, देख, इसने जिंदगी भर तकलीफें उठा उठा कर लाख रुपए हियरिंग के लेकर इतने पैसे कमाए, इसने इसी बेटी से एक बार हाँ करवा दी और करोड़ रुपए अंदर कर लिए, हो गया ना बड़ा काबिल आदमी। यार I have nothing more to say. Thank you very much. Thank you. अच्छा तो सारी बातें छोड़ दे, इतना बता कि तेजपाल साहब की कोई दूसरी बेटी भी है? है ना, दो बेटियां हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, पर तू क्यों पूछ रहा है? नहीं, उसकी दूसरी बेटी के लिए मेरे पास एक और वकील दामाद है। कौन है? मैं। ये कौन है? बहुत बड़ा आदमी है, तू नहीं समझेगा। ओ, मैं मतलब तू है, पर तू उसे बिना देखे शादी कर लेगा? यार तू बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अमीर आदमी की बेटी है तो खूबसूरत होगी। राज, एक बात है यार, तू बहुत ही मास्टर आदमी है तू। Hi. Yes, ma'am. This one, please. This one. Yeah, sure. Thank you. You're welcome. अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? देखिए ये चश्मा भले ही कितना खूबसूरत क्यों ना हो, आप इसे पहनकर देखिए, ये ज़्यादा सूट करेगा। प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज। ओके, ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक बात कहूँ, अगर गुरुदत्त जी जिंदा होते ना जी, तो आपको लेकर दोबारा चौधरी का चांद बनाते। पैक कर दीजिए। हाउ स्वीट। अरे, क्या कर रही है? देखिए, माफी चाहता हूँ, ये कपड़ा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप ये पहन कर देखिए। अरे दैट्स ब्यूटीफुल। या आप ट्राई कीजिए ना। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर राज कपूर जी जिंदा होते ना, तो आपको लेकर दोबारा सत्यम शिवम सुंदरम बनाते जी। मेरा मतलब है कि इन कपड़ों के साथ। आप ट्राई कीजिए ना प्लीज। ओके थैंक्स। पैक कर दीजिएगा ये। अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? कमाल जी आपको देख लेते तो कितना नाराज हो जाते हैं मालूम है? कमाल कौन? अमरोही जी, पाकिस्तान फिल्म बनाई थी जिन्होंने। रियली? क्यों? आपको देखकर वो अपने हीरो को डायलॉग देते कि तुम्हारे पांव बहुत ही खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर नहीं इन सैंडल्स में रखो और भी खूबसूरत नजर आएंगे। या देखिए कितने खूबसूरत। कमाल की बात है, आपने जो कुछ भी बेचने की कोशिश की मैंने सब कुछ खरीद लिया। यू आर अ गुड सेल्समैन। वैसे मैं पेशे से वकील हूँ। Really? क्या बात है? राज मल्होत्रा, BLLB। Very nice. वैसे मैं अपने लिए, nice to meet you. मैं अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए आया था, आपको गलत सामान खरीदता हुआ नहीं देख सका। But I'm really sorry. मैंने आपको सेल्समैन समझ लिया। कोई बात नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। जी हाँ, मैं क्या कोई भी धोखा खा सकता? अच्छा, तो आप मान रहे कि मेरी शक्ल ऐसी है? Nice to meet you. आप तो जा रही है, मगर मैं आपकी जिंदगी में बुढ़ापे की तरह आऊंगा, जो एक बार आता है और उसके बाद आता ही जाता है। मैं तो कुछ भी देख ले, लेकिन हकीकत में तेजपाल की बेटी से तेरी शादी हो ही नहीं सकती। अरे अगर उसकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं जान दे दूंगा, गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, उसके आ क्या जाऊंगा मैं, गाड़ी के नीचे आ गया। राज, आपको दुख नहीं रहा है? कर रहे हो क्या, तोड़ रहे हो? चोट यहाँ लगी है तो दर्द वहाँ कैसे होगा? सो सॉरी, ऊंचा करो। आस्ते, अरे घबराने की कोई बात नहीं, ये तो मामूली सी चोट है, मैं दो दिन की दवाई लिख देता हूँ, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हैं, तुम्हारा नाम बताओ फटाफट। राज मल्होत्रा। देखो मैंने दो दिन की दवा लिख दी है और इसे सुबह शाम। ये क्या, ये बैसाखी किस लिए? चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, पैसा भर रहा हूँ फिर भी पूछ रहे हैं बैसाखी किस लिए? कमाल है, चोट पाँव में लगी है, सर पे लगी है? मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। ओह माय गॉड, आप गए नहीं? आपको क्या हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा।
15 दिन आप मेरी वजह से इन बैसाखियों पर आपकी वजह से नहीं, मेरा ही कोई पाप आड़े आ गया होगा मेरे। नहीं, गाड़ी तो मैं तेज चला रही थी। I'm so sorry. आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना? जी। सजा भुगतना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? प्लीज मुझे नीचे टैक्सी तक छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप, मैं अपनी गाड़ी में आपके घर। आई। संभल के संभल के संभल के। हाँ एक मिनट रुक जाइए। हाँ अरे रे 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 रे, संभल के, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी। आई आई, यहीं ऊपर रहते हैं? जी हाँ। अच्छा, संभल के। कोई बात, आई आई आई। काफी तकलीफ उठानी पड़ी। यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक मिनट। हाँ, ये तस्वीर? जी ये मेरे गुरुजी की तस्वीर है। मगर मैंने तो आपको इनके साथ पहले कभी नहीं देखा। जी मैंने भी इनको कभी नहीं देखा, मगर ये हमारी वकालत की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। इनके केस को स्टडी किए बगैर कोई आदमी वकील बन ही नहीं सकता। जी मगर आप इनको कैसे जानती? ये मेरे डैडी है। डैडी? पाँव कहाँ है? क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए प्लीज। गुरु नहीं तो कम से कम गुरु पुत्री के ही पाँव छू लूं। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आप ठीक हो जाइए, मैं आपको अपने डैडी से मिलाऊंगी। मैं इनसे मिल सकूंगा? ऑफ कोर्स। He will meet me? Of course he'll meet you. Oh, मतलब, how sweet of you. नहीं, आप बैठिए ना। No problem. Please. आज नहीं, फिर कभी, मैं फिर आऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। आओ मैं तुम्हें बाहर रख छोड़ देता हूँ। It's okay. मैं चली जाऊंगी। नहीं, are you sure? Okay, thank you, bye. See you. Bye. Bye. अब देखिएगा जनाब, इस बैसाखी को पकड़ के उस बैसाखी के सहारे अगर मैंने आपको अपनी बैसाखी ना बना लिया तो मेरा नाम भी राज नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। वो आपसे थोड़ा काम था। क्या? वो नवजीवन सोसाइटी का केस आप ही लड़ रहे हैं ना? तो वो केस हमारे खिलाफ है सर, हम वहीं के टेनेंट्स हैं। तो मैं क्या करूं? देखिए वैसे भी कोर्ट में केस लड़ने की हमारी ताकत नहीं है, और आपके सामने केस जीतना बहुत ही मुश्किल है। अगर इतनी अकल है तो केस क्यों लड़ रहे हो? घर क्यों नहीं खाली करते? देखिए हम घर खाली कर देंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? मुझसे पूछ के मुंबई आए थे, अब आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। देखिए देखिए ऐसा मत कीजिए वकील साहब। देखिए भगवान ने आपको तो इतना खुश दे रखा है, पैसों के खातिर हमारे सर से हमारी छत मत छीनिए। आप हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। अगर हाथ जोड़ने हैं तो मंदिर जाके जोड़िए, पर अब तो भगवान भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए देखिए बात तो सुनिए। एक मिनट जीजा जी, ये लोग आपके पास इतनी आस लेकर आए हैं और आप इनकी मदद करने की जगह इन्हें धुतकार रहे? क्योंकि मैंने ऑपोजिट पार्टी का केस अपने हाथ में ले लिया। लेकिन गलत लोगों को जितवाना तो ना इंसाफी है। अच्छा तो तुम इन्हें इंसाफ दिला दो ना, मैं भी देखता हूँ आज की तारीख में सच्चाई के लिए सच्चाई के बलबूते पर कौन लड़ता है। जीजा जी ऐसे एक आदमी को मैं जानती हूँ जो आज की तारीख में सच्चाई के बलबूते पर न सिर्फ लड़ सकता है जीत भी सकता है। Wish you all the best. आप बेफिक्र रहिए, आपका घर घर है, कोई चिड़िया का घोंसला नहीं जो अपने घर की सफाई में कोई निकाल कर फेंक दे। आप देखिए मैं इनकी ईट से ईट बजा दूंगा। वैसे मेरे सामने केस लड़ कौन रहा है? मेरे जीजा जी, आप अपनी कंपनी को मुझसे क्यों हरवा देना चाहती हैं? तो क्या हुआ, महाभारत में भी तो पांडव अपने भाइयों से लड़े थे। यू आर राइट, और वैसे भी महापुरुषों का यही कहना है कि सच्चाई के लिए कोई भी चीज छोड़ी जा सकती है, मगर किसी भी चीज के लिए सच्चाई को छोड़ा नहीं जा सकता। आई विल विन दिस केस। मिस्टर आनंद महात्रे, आप जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह आपने कब और कितने में खरीदी? 1977 में, 25,000 रुपए पगड़ी पे। मतलब आपने खरीदी नहीं थी, उस जगह पे आप किराए पे रह रहे हैं। मिस्टर वचानी कौन है? वो तो बिल्डर है, मेरा मतलब मकान मालिक। और उन्होंने जगह खाली करने की आपको कितने पैसे की ऑफर दी? 2.5 लाख रुपए। मतलब 10 गुना ज्यादा जितने आपने पैसे दिए थे उसे। अब महंगाई भी तो बढ़ गई है सर। आखिर आप चाहते क्या मात्रे साहब? घर के बदले घर। अच्छा ये बताइए आज आप कोर्ट कैसे पहुंचे? टैक्सी में। कोर्ट पहुंचने के बाद आपने टैक्सी का क्या किया? किराया दिया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उस पर कब्जा क्यों नहीं किया? उसके मालिक क्यों नहीं बन गए? उसे घर क्यों नहीं ले गए? किराए के टैक्सी का मालिक कैसे बन सकता? एग्जैक्टली
योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। इन्होंने खुद कहा है कि किराए की चीज का मालिक नहीं बना जा सकता, फिर ये किराए के मकान के बदले में मकान कैसे मांग सकते हैं? मेरे क्लाइंट ने इन्हें 2.5 लाख रुपए का ऑफर दिया है, ये तो इनकी दरिया दिली है। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। दैट इज ऑल योर ऑनर। डिफेंस को कुछ कहना है? राज, गो, गुड लक। चल चल, छुट्टी कर दे सबकी। डिफेंस कुछ कहेंगे? गेट अप, गेट अप, गेट अप। सर, मिस्टर मल्होत्रा, आर यू आर राइट? सर, मिस्टर मल्होत्रा, आई थिंक कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दवा लीजिए। यस सर। कोर्ट इज अर्जेंट फॉर लंच। फॉरगेट अबाउट इट, बैठ जाओ।